हेलो एवरीवन, आज का जो हम कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं ये है डेटा साइंस से रिलेटेड। तो डेटा साइंस की अगर बात करें तो डेटा साइंस की फील्ड रिलेट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के एनालिसिस से, जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सेट को पहले एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करके उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट करवाते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स। तो डेटा साइंस के अंदर हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे, इन एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, इन एल्गोरिथम से किस तरह से हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं वो देखेंगे। तो जो मेजर टास्क हमारा होगा इसके अंदर वो डेटा का एनालिसिस होगा। तो जैसे हमने बात की कि हम डेटा साइंस के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को सिखा सकें कि किस तरह से डेटा को डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एनालाइज किया जा सकता है। तो इन एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे C++ है, सी है, पाइथन है एंड डिफरेंट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इस कोर्स के अंदर हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को परस्यू करेंगे वो पाइथन है। पाइथन को परस्यू करने का जो मेन मोटिवेशन या जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो सपोर्ट अवेलेबल है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, डिफरेंट डीबगिंग के हवाले से, वो पाइथन की सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। उसके अलावा पाइथन के अंदर ही हमारे पास डेटा साइंस का काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी अवेलेबल है, तो हम पाइथन को ही इस कोर्स के अंदर परस्यू करेंगे। तो सबसे पहले अब क्योंकि हम एक इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम पाइथन की कुछ बेसिक्स को देखेंगे जिन बेसिक्स को हम फर्दर यूज़ करते हुए अपने डेटा साइंस के डिफरेंट एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन बेसिक्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं पढ़ेंगे, सिंपल मॉडरेट लेवल्स की जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक आती है पाइथन के अंदर वो है कमेंट। अब कमेंट क्या है? कमेंट प्रोग्राम का पार्ट ही है, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसको कंपाइलर या कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता। इसको डिफाइन करने का हमारे पास एक स्पेसिफिक वे होता है जिससे सिस्टम को ये पता लग जाता है कि ये जो कमांड है या ये जो भी लाइन है इसको रन नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आउटपुट दे देंगे। कमेंट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो टेक्स्ट रिटन इन ए प्रोग्राम बट नॉट रन बाय द कंप्यूटर और कंपाइलर इज नोन एज कमेंट। अब जैसे मैंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको डिफाइन करने का एक स्पेसिफिक वे है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम किसी भी लाइन से पहले अगर हैश का वर्ड यूज़ करें तो कंपाइलर इसको एज अ कमेंट कंसीडर करेगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब कमेंट्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? कमेंट्स को यूज़ करने का जो हमारा मेजर पर्पस है वो ये है कि लेट्स से हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है और हमें तो फिलहाल ये पता है कि ये क्या काम कर रही है या किस चीज़ को परफॉर्म करेगी, लेकिन लेट्स से हम ये अपना टास्क कोई 10 दिन के बाद रन करते हैं या 1 साल के बाद या कोई और हमारा टास्क हमारी जो कोड फाइल है उसको रन करता है, तो उसके लिए वो लाइन समझने के लिए कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कमेंट ऐड कर देते हैं हर लाइन के साथ या उन लाइंस के साथ जिनके लिए कमेंट करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम एक कमेंट कर देते हैं कि इस लाइन की क्या डिस्क्रिप्शन है, जिसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि ये लाइन इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट लाइंस आ सकती हैं एक कोड के, जिनको हम रन नहीं करना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं वो फ्यूचर। हमारे पास एक लाइन है जैसे हम ये, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक ओल्ड स्लोपी कोड के हवाले से और दूसरा न्यू क्लीन कोड के हवाले से। तो अब लेट्स से हम फ्यूचर यूज के अंदर अपना जो रन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिंपल इसको इंप्लीमेंट करेंगे और रन कर देंगे, और हाँ हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर हम यहाँ यहीं पर रहने दें तो फ्यूचर यूज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें डिफरेंट जो प्रोग्राम फाइल्स हैं, जो कोड फाइल्स हैं वो बनानी पड़ेंगी, जिसके अंदर एक कोड फाइल एक स्पेसिफिक तरीके से चलेगी और दूसरे स्पेसिफिक तरीके से। तो बेहतर है कि अगर हम यही कमांड कमेंट कर दें तो हम फ्यूचर यूज़ के लिए इसको आसानी से इम्प्लीमेंट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इससे जो अगला टॉपिक है हमारे पास पाइथन के अंदर ही
वो होगा प्रिंट की कमांड। अच्छा, प्रिंट की कमांड सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कमांड है पाइथन। अच्छा, ये है कि प्रिंट की कमांड हमें हमारे सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि वो हमसे कम्युनिकेट कर सके डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकता है, लाइक हमने एक टास्क परफॉर्म किया और उस टास्क के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ आउटपुट रिक्वायर, और उस आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें यूज़र को कुछ शो करवाना था कि जी हाँ जी टास्क परफॉर्म हो गया या नहीं हुआ। तो कंप्यूटर या सिस्टम हमसे किस तरह से कम्युनिकेट करता है, इस प्रिंट की कमांड के थ्रू। तो अगर हम बात करें कि प्रिंट की कमांड यू का क्या फ़ायदा है, इसको यूज़ क्यों करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इन पाइथन द प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू टेल ए कंप्यूटर टू टॉक और टू कम्युनिकेट विद यूज़र और प्रोग्रामर। ठीक है, लेट से हमारे पास अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल हैं वो इस तरह से है कि हम प्रिंट के अंदर एक मैसेज टाइप करते हैं। मैसेज इस तरह से टाइप करते हैं कि लेट से देयर इज, लेट से ये जो हमारे पास साइड पर एक एग्जांपल है इसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज समथिंग एट वर्क इन माई सोल विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड, तो ये कमांड फिलहाल के लिए तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, लेकिन लेट से हमें किसी ना किसी चीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है और हमने यूज़र को शो करवाना है कि उसका टास्क इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस कमांड को सिंपल एग्जीक्यूट करेगा। अब कंपाइलर को या सिस्टम को किस तरह से पता लगेगा कि ये प्रिंट की कमांड है और इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, तो प्रिंट की कमांड को लिखने का एक स्पेसिफिक सेंटेक्स है। सेंटेक्स हम कहते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज़ को लिखने का क्या तरीका है। तो इस केस के अंदर हमारे पास, प्रिंट के केस के अंदर हम प्रिंट सिंपली प्रिंट लिखते हैं, आगे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम एक मैसेज टाइप करते हैं डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो इसको डिफाइन करने का तरीका है वो है द मैसेज टू बी प्रिंटेड शुड बी सराउंडेड बाय कोट्स। और जैसे कि मैंने कहा कि कंपाइलर को इस स्पेसिफिक सेंटेक्स से पता लगेगा कि ये प्रिंट की कमांड है, और जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा तो कुछ ना कुछ हमारे पास आउटपुट देगा। तो कुछ ना कुछ आउटपुट जब हमारे पास आएगी, उस आउटपुट के अंदर हमारे पास जो भी प्रिंट की कमांड के अंदर हमने मैसेज लिखा हुआ है उसको वो सिंपली एग्जीक्यूट करवा देगा। और इसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो सेम वही मैसेज होगा जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था कि देर इज समथिंग एट वर्क इन माई सोल विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ओके, अब प्रिंट के बाद हमारे पास जो मेजर टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स का। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास इंटीजर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, करेक्टर आ जाता है। तो करेक्टर तो सिंपल एक हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट है, ए बी सी का एक सिंपल अल्फ़ाबेट, जैसे ए बी और एक्स वाई जी। तो ये तो सिंपल एक करेक्टर है, तो करेक्टर से तो हम कुछ भी मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। तो जब भी हमें कुछ मैसेज कन्वे करना है तो हमें उसका एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। उस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रिंग। लाइक अगर हम साइड पे एग्जांपल की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा हमने मैसेज लिखा हुआ है, जो डबल कॉट के अंदर हमने लिखा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली यहाँ पर बात करें कि हम यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखते हैं, तो वो कोई भी मैसेज या कोई भी जो मीनिंग है वो कन्वे नहीं कर रहा। तो हमें इस केस के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज रिक्वायर्ड है, और उस मैसेज को फिर हम एक स्ट्रिंग की फॉर्म, एक स्ट्रिंग का नाम देते हैं अगर वही मैसेज डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है या सिंगल कोट के अंदर भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाइथन के अंदर जो एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने का तरीका है वो है डबल कोट्स के जरिए या सिंगल कोट्स के जरिए। मतलब आप अपने टेक्स्ट के अराउंड अगर डबल कोट लगा देते हैं या सिंगल कोट लगा देते हैं दोनों साइडों पर, तो वो एक मैसेज या स्ट्रिंग कंसीडर होगा। स्ट्रिंग टेक्निकल टर्म्स के अंदर और सिंपल टर्म्स के अंदर हम उसको एक मैसेज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने नीचे एग्जाम्पल में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, तो ये एक स्ट्रिंग है। सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे तो फिर भी ये स्ट्रिंग है। और हाँ, जब भी हम प्रिंट की कमांड यूज़ करते हैं जो कि अभी हमने पढ़ी, तो प्रिंट की कमांड के अंदर हमें हमेशा एक स्ट्रिंग पास करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि स्ट्रिंग को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो जैसे ही मैंने पहले डिफाइन किया कि प्रिंट की कमांड में हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करवाते हैं, और वो प्रिंट, और जब भी कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करवाता है तो वो जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाता है आपकी आउटपुट विंडो के ऊपर। तो हम सिंपल और टेक्निकल वर्ड्स के अंदर ये कह सकते हैं
कि प्रिंट के अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास करवाते हैं और उस स्ट्रिंग को प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करती है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास बेसिक्स के अंदर ही, वो है वेरिएबल्स, कि किस तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल को किस तरह से फर्दर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम वेरिएबल की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो भी डाटा को स्टोर करके फर्दर रीयूज करने का मेथड है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अगर हमने डेफिनेशन डिफाइन की हुई है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफर ए मेथड टू स्टोरिंग डाटा फॉर रीयूज, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं, स्ट्रिंग्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्लोट है। तो जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो कंप्लीट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग्स अभी हमने पढ़ा जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लोट डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट अवेलेबल हो इंटीजर के साथ, लाइक 10.1, 13.4 एंड एक्सेट्रा। अब इसके अंदर हम बात करें कि हमारे पास लेट्स से एक मैसेज है, उसको हम मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेट्स से मैसेज स्ट्रिंग ही है हमारे पास हेलो देयर की, तो हम बार बार एक ही कमांड नहीं लिख सकते हेलो देयर, या यहाँ पर अगर हमारे पास एक बहुत लंबा टेक्स्ट है लाइक 1000 वर्ड्स का, तो हम उसको बार बार नहीं लिख सकते, उसके अंदर हमारे पास कोड के अंदर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, हम एक ही मरतबा एक वेरिएबल को असाइन करवा देते हैं वो स्पेसिफिक टेक्स्ट और स्ट्रिंग। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली है, तो स्टोर करवाने के बाद हम उसको फर्दर रीयूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं इसी की, कि एक ग्रीटिंग जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक डेट है जो हम फर्दर रीयूज करना चाहते हैं अपने कोड के अंदर बार बार, और या किसी यूज़र की आईडी है, या किसी यूज़र का कोई नाम है, या कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिसको हम फर्दर यूज़ करना चाहते हैं, जिसको हम बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, या कुछ भी उससे परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और उस वेरिएबल को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवाने का भी एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है। आप एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उस वेरिएबल के आगे इक्वल का साइन डालेंगे, और उसके लेफ्ट राइट साइड पर जो भी चीज़ लिखेंगे, वो एक इंटीजर है, फ्लोट है, या टेक्स्ट है, वो राइट साइड वाली सारी की सारी वैल्यू आपके लेफ्ट साइड पर अवेलेबल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो असाइनमेंट का जो वेरिएबल है, इक्वल का जो वेरिएबल है, साइन है, इसको हम यूज़ करते हैं एक वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो हाँ, एक स्पेसिफिक एक मेजर रूल एक वेरिएबल को डिफाइन करते हुए जो हम यूज़ करते हैं वो है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लाइक ए बी सी डी, और एक लंबी स्ट्रिंग भी हो सकती है लाइक मैसेज स्ट्रिंग। तो मैसेज स्ट्रिंग को अगर मैं एक स्पेस के साथ लिखता हूँ, मैसेज स्पेस स्ट्रिंग, तो हमारा जो कंपाइलर है ये हमें एक एरर देगा। एरर इसलिए देगा कि वेरिएबल के नाम के दरमियान में किसी भी जगह पर कोई भी स्पेस नहीं आ सकती। ठीक है, अगर लेट्स से आप एक लंबा वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हैं लाइक माई न्यू वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे, आप हर दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देंगे, फिर ये एक स्पेसिफिक वेरिएबल ही कंसीडर किया जाएगा और आपको एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं माई अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर वेरिएबल। तो ये वेरिएबल डेफिनेशन हो गई, वेरिएबल असाइनमेंट हो गई, और किस तरह से हम वेरिएबल को फिर से रीयूज कर सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट आ गया।